Hello everyone. My name is Yogesh Yogendra. I'm incoming software engineer at Ecolite. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a first stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the master's in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees don't worry s school is now offering a special one-year master degree completely online allowing you to work and study from your home by having an online degree by the european university and accepted all across the world you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in india and abroad if you wish to improve your chances of success in the computer science industry there is no better time than today मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ न्यूडल स्कूल कैन ऑफर दिस इनक्रेडिबल ऑपर्चुनिटी चेक आउट दिस वेबसाइट एंड ट्रस्ट मी ग्राम प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन यूर करियर सो माई फ्रेंड्स वर यू वेटिंग फॉर चेक आउट इन दिसक्रिप्शन बॉक्स एंड रजिस्टर स्कूल है तो यार मतलब मजा आने वाला है आज की क्लास में आई थिंक

तो जो पहला बंदा आता है लाइन में उसे पहले टिकट मिलती है जो बाद में आता है उसे बाद में so like right? राइट right? so हम लोग अगर यहां पर ऐसा कुछ सीन ले रहे येलो कलर लेते हैं दिस इज अवर क्यू इफ आई मेकिंग अ क्यू लाइक दिस आई वॉन्ट टू इंसर्ट वन देन टू देन थ्री देन फोर ओके सो वी कैन पुश एन इन क्यू यू कैन पुश एन एलिमेंट फ्रॉम द बैक साइड राइट

पॉप का मैं दिखा रहा हूँ देखते हैं ठीक है तो प्रिंट कर रहा हूँ right? तो 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 okay? तो हमने कुछ देख लिया हमने साइज देख लिया राइट right? चलो लोग पॉप कर पॉप करने से पहले मैं फ्रंट एंड बैक बता देता हूँ फ्रंट एंड बैक फ्रंट मतलब पहले बंदे को बताएगा बैक मतलब लास्ट बंदे को बताएगा तो मैं यार फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फटाफट बता देता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फ्रंट तो यहां पर ब्रेसेस होंगे ओके okay? और यहां पर लिखते हैं हम लोग सी आउट क्यू डॉट बैक तो ऐसे कुछ अगर मैं लिख दूं तो हमें पहला बंदा कौन मिल रहा होगा वन आखिरी बंदा कौन मिल रहा होगा फोर तो यार देख लो हमारा पहला बंदा मिल गया वन आखिरी बंदा मिल गया हमें फोर ठीक है तो फ्रंट एंड बैक तुम्हें समझ आ गया फ्रंट बैक कैसे काम कर रहा है फ्रंट मतलब पहले बंदे को देगा लास्ट बैक मतलब पीछे वाले बंदे को देगा राइट एम टी के बारे में तुम्हें है यार कि एमटी मतलब कि चेक करेगा कि क्यू हमारा एम है कि नहीं तो अगर मैं यहां पर प्रिंट इफ आई एम प्रिंटिंग क्यू डॉट एम टी आई एम चेकिंग राइट तो बस हमारा भी एम टी है नहीं है, तो हमारा क्या फॉल्स, मतलब नहीं है जीरो आंसर हो गया मतलब जीरो हो गया आंसर राइट right? तो चलो हम लोग यहां पर अब रन करके देखते अब हम क्या करते हैं रन करते हैं क्यू को और एक करके बंदे को पॉप करते रहेंगे राइट right? तो आई विल बी राइटिंग वाइल नॉट डॉट एम टी मैं क्या करूंगा डायरेक्टली प्रिंट करूंगा क्यू डॉट मैं फ्रंट प्रिंट कर करते डायरेक्ट क्यू डॉट पॉप कॉल कर दूंगा राइट तो क्या होगा यार पर पहले मैं मैं क्या क्या किया चेक कि है है नहीं तो फ्रंट वाले बंदे को प्रिंट कर दिया राइट मैं फ्रंट वाले बंदे को प्रिंट कर दिया फिर क्या करूंगा पॉप कर दूंगा उस बंदे को पॉप कर दूंगा ऐसे करते करते हमारा वन टू एंड थ्री फोर सब बंदे प्रिंट हो जाएंगे ठीक है तो यार देखो हमारा आंसर यहां पर ईजिली वन टू थ्री फोर प्रिंट हो गया तो सीन कैसे हुआ यार देखो यहाँ पर हमारे पास क्यू था ठीक है हमने पुश हमारा वन, टू, फोर आ गया मैं पहले क्या चेक कर रहा हूँ पॉप फिर हमारा है? है तो फ्रंट तो तो कौन है टू इसे प्रिंट करो पॉप तो हमारा आंसर वन आ गया टू आ गया थ्री हमारा फ्रंट में पॉप करो थ्री आ गया फोर हमारे फ्रंट में पॉप करो फोर आ गया अब तो एम हो गया यार निकल जाएंगे ठीक है आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द क्यू मैं क्यू समझ आ गया ना लेट्स वर्जन ऑफ क्यू है जो हमारा मतलब जो चीज हम लोग क्यू में नहीं कर सकते वो काम हम लोग डी क्यू में कर सकते हैं ठीक है तो so, डी क्यू ज्यादा मजा आएगा समझने में बिकॉज जो काम हम लोग क्यू में नहीं कर सकते वो काम हम लोग डी क्यू में कर सकते हैं ठीक है तो लेट सी देट तो डी क्यू में क्या पंडा है मैं यहीं पर समझाता हूँ तुम्हें तो तो ज्यादा मजा आएगा ठीक है तो so, हमारा देखो क्यू में क्या हो रहा था हमारा क्यू में क्या सीन हो रहा था हमारा ऐसे यार यहाँ पर ऐसे है ठीक है ये मैं डी क्यू ले लिया क्यू में क्या सीन था यार सिर्फ पीछे से इंसर्ट करो यहां से इंसर्ट करो और सामने से निकाल दो राइट डी क्यू में क्या यार तुम दोनों तरह से इंसर्ट कर सकते हो दोनों तरफ से निकाल सकते हो मतलब यार तो अगर तुम यहां से इंसर्ट इंसर्ट कर रहे हो तो यू कैन फ्रॉम दिस साइड एज वेल अगर तुम यहां से निकाल रहे हो यू कैन यू कैन एम मतलब यहां से तुम यहां से भी निकाल सकते हो ठीक है यू कैन इंसर्ट फ्रॉम बोथ साइड यू कैन रिमूव फ्राम बोहोत साइड ठीक है तो ये फंक्शनलिटी हमें डी में मिलता है क्यू में क्या था सिर्फ एक तरफ से घुसाओ दूसरी तरफ से निकालो

मैं पुश कर रहा हूं ठीक है आई थिंक तुम्हें मैं बता चुका हूँ uh, क्या डाला था डाला ही नहीं कुछ 20, ठीक है? तो ट्वेंटी पुश बैक पुश फ्रंट मैं यहाँ पर पहले पुश बैक किया तो टेन आया पुश फ्रंट किया तो ट्वेंटी सामने आ गया ठीक है तो अगर हम लोग अभी यहाँ पर अगर अभी ये सीन ऐसा हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ पॉप फ्रंट पॉप बैक अगर यहां पर करता हूं यहां पर मैं करता हूँ डी डॉट पॉप अगर मैं बैक किया मान लो यार और एक बंधन ले लेते पहले रुक और एक बंधन लेता ठीक है तो डी क्यू डॉट पुश बैक यहां लेता हूं मान लो थर्टी ठीक है तो थर्टी लिया तो ट्वेंटी है टेन है थर्टी आ क्योंकि मैं पुश बैक कर रहा हूं राइट अब पॉप बैक करते हैं तो पॉप बैक करने से हमारा क्या होगा थर्टी निकल जाएगा तो हमारा सिर्फ ट्वेंटी रहा टेन रहा ठीक है ट्वेंटी एंड टेन अब मैं क्या कर रहा हूं डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट हमारा फ्रंट लिखेंगे ठीक है जैसे हम लोग फ्रंट लिखे तो ट्वेंटी निकल जाएगा हमारा सिर्फ टेन बचेगा आंसर में, ठीक है तो अभी हमारे पास तो लेट्स हम तो हम एम टी जब तक तो होता नहीं लेट्स प्रिंट डी क्यू डॉट फ्रंट ठीक है और फिर हम लोग क्या करेंगे डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट ठीक है रन दिस कोड और हमारा आंसर सिर्फ टेन आ रहा होगा ठीक है तो कुछ एरर हो गई है डी क्यू डी पी डॉट लिख दिया क्या कहीं पर मैं डी पी डी पी यहाँ डी पी लिख दिया आ, DQ होगा, ठीक है बाकी सब सही है लेट्स रन दिस कोड और हमारा टेन आंसर आ रहा होगा अब क्या दिक्कत हो गई यार हमारा ओ कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ यार हमारा डी क्यू डॉट फ्रंट वॉट हैपन ब्रो हमारे पास चार तीन बंदे थे ना

पॉप तो ट गया सिर्फ ट्वेंटी थर्ट गया सिर्फ टेन बचा ठीक तो है तो बस यही था पॉप बैक पॉप फ्रंट यार फ्रंट बैक सब देख लिए बैक से पीछे वाला बंदा मिल जाएगा ठीक है सो आई थिंक यू अंडरस्टूड डी क्यू एज वेल एज क्यूब तुम्हें क्यू भी समझ आ गया डी क्यू भी समझ आ गया अगर यार सही में समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक मार देना और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो पूरा एस टी सीरीज पूरा कंटिन्यू करो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने का पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे मजा आ जाएगा ठीक है तो बस आज की वीडियो में इतना ही आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल दी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एस ठीक है तो फटाफट हमारे साथ बने रहो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा